आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आपको बता दें, लंपी वायरस इन्फेक्शन से गायें और गौवंश बहुत परेशान हैं। ये बीमारी फरीदाबाद में तेज़ी से फैल रही है और इसकी वजह से तिगांव के गौ सेवक जितेंद्र नागर, लव नागर, यीशु नागर, अंकित, सचिन और उनके साथी बहुत परेशान हैं। आज ये लोग रोड जाम करने की बात कर रहे थे। इन्हें समझाकर पशु अस्पताल ले जाया गया। इन्होंने वहाँ के डॉक्टर सत्येंद्र धनखड़ से बातचीत की। उन्होंने बताया, हमारे पास स्टाफ की कमी है, अगर आप लोग मदद करें तो हम वैक्सीन उपलब्ध करा सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर सत्येंद्र धनखड़ ने फ़ोन करके वैक्सीन मंगाई और उसे गौ रक्षकों को हैंड ओवर की। इतना ज़रूर बता दें, ये बीमारी पूरे फरीदाबाद में फैल रही है। हमने पहले भी इसकी वीडियो दिखाई है। गौवंश बहुत परेशान होते हैं। जब भी किसी गौवंश को ये बीमारी हो जाती है, शरीर पर दाने दाने हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, खुजली होती है, गौवंश परेशान रहते हैं और तड़प तड़प कर उनकी जान चली जाती है। बहुत सारे गौवंश ख़त्म हो चुके हैं इस बीमारी की वजह से। इसी वजह से गौभक्त बहुत दुखी हैं और इसी वजह से आज ये लोग पशु अस्पताल पहुँचे थे। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन मिली है। अब देखते हैं इस वैक्सीन का किस तरह से इस्तेमाल होता है, इन्हें किस तरह से गौवंशों को लगाया जाता है। आपको बता दें, अगर जल्दी से जल्दी सभी गायों और गौवंशों को ये वैक्सीन नहीं लगाई गई तो ये बीमारी फरीदाबाद में भी महामारी का रूप ले सकती है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।